हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम लोग आपके साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 का पूरा इंट्रोडक्शन और फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो काफी यूजफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें मोटिवेट जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें चैप्टर का मतलब समझना जरूरी है। तो अगर मैं इस चैप्टर को गौर करूं तो इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो चलिए, हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तो पता है क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, टेंजेंट, कोसेकेंट। नाउ व्हाट अबाउट दिस वर्ड जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है प्रीफिक्स इसके अंदर, इनवर्स। तो पहले मैं सिर्फ आपको इनवर्स का मतलब बताऊंगी, यानी इनवर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आपके साथ बात करेंगे। वैसे तो डियर, जो ये टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को फर्स्ट चैप्टर नहीं भी आता, हम उसके अकॉर्डिंग ही समझाएंगे सोलोली अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो। इनवर्टिबल फंक्शन का क्या मतलब होता है सबसे पहले ये समझते हैं, यानी इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज इनवर्टिबल फंक्शन? कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी आप डिपेंडेंसी बड़े आराम से बदल सकते हैं, उन फंक्शन को बोलते हैं कि उनका इनवर्स पॉसिबल है या इनवर्टिबल फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपके सामने एक फंक्शन लिखती हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कौन सा वेरिएबल किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि y डिपेंड कर रहा है x पर, बिकॉज आप x की वैल्यू पुट करेंगे और रिस्पेक्टिवली y की वैल्यूज निकल कर आएंगे। जैसे कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं तो आपके पास y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 16। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ रही है 17। यानी बहुत क्लियर है कि यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए आपको किस पे डिपेंड होना पड़ रहा है, x पर। दैट मीन्स यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है फिलहाल y की, वो x पर है। लेकिन अगर मैं उल्टा कर पाऊं तो इसे बोलेंगे कि इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। व्हाट डज फंक्शन मींस? फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड होना, और यहाँ पर बहुत क्लियर है कि y डिपेंड कर रहा है x पर। इसीलिए इसको कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है, आपने देखा होगा f ऑफ x पॉलिनोमियल में लिखते थे। क्या मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन x। इफ इट इज f ऑफ y, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी दैट इज डिपेंडेंट ऑन y। इफ इट इज y ऑफ t, इसका मतलब होता है, तो फंक्शन का मतलब क्या हुआ, डिपेंड होना। तो किस पे डिपेंड है इसका आंसर, वो डिपेंड कर रहा है t पर। तो सिमिलरली अभी हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, या हम जिसको y भी लिख सकते हैं, y डिपेंड कर रहा है x पर। क्या ये पॉसिबल है कि हम ये रिवर्स कर सके? अभी जो आप वैल्यू पुट कर रहे थे डियर, जो आप x की वैल्यू पुट कर रहे थे उसको बोलते हैं डोमेन, और जो आपके पास आंसर आ रहा था उसको बोलते हैं रेंज। क्या हम इसको बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो वाकई में इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। तो ट्राई करते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 16 यहाँ लेफ्ट में आकर माइनस हो गया इक्वल टू x स्क्वायर। नाउ x की वैल्यू कितनी आ गई, बड़े आराम से आपके पास यहाँ x की वैल्यू निकल आई है। दैट मीन्स इस फंक्शन का इनवर्स डेफिनेटली पॉसिबल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है, दैट इज वॉट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन मेरे पास स्टार्टिंग में था, इसमें क्या था, y डिपेंड कर रहा था x पर, y इज डिपेंड अपॉन x। Now the situation changes. अब x depend करेगा y की value पर। यानी आप जैसे जैसे y की value put करते जाओगे, x की value निकलती जाएगी। यही चीज inverse कहलाती है। यानी पहले जो आप put कर रहे थे, that is what domain, और जो हमारा y का answer आ रहा था वो था range। अब बदल गया आपके पास, अब जो domain है, यानी अब आप put करोगे y की values, और जो आपके पास answers आएंगे वो होगा x। इसी को बोलते हैं इनवर्स। यानी किसी भी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, ये तभी पता चलेगा जब आप आसानी से उसकी डिपेंडेंसी बदल सकते हो। दैट इज व्हाट इनवर्स ऑल अबाउट, किसी भी फंक्शन का। यानी जो उसकी डोमेन थी वो अब रेंज बन जाए, यानी जो आप पुट कर रहे थे पहले अगर आंसर बन जाए। सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर पहले आप y डिपेंड कर रहा था x पर, आप कोई ऐसा फंक्शन मेरे सामने लिख कर दे दो जिसमें x डिपेंड कर रहा हो y पर, वो उस फंक्शन का इनवर्स है। अब इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ये जो फंक्शन हमारे सामने है डियर, इसे हम एक तो ये लिखा हुआ x इक्वल टू दिस, इसे हम f ऑफ y भी लिख सकते हैं, राइट? ये आपके पास क्यों? बिकॉज f यहाँ पर फंक्शन, यानी जो आंसर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, y पर। या इसे दूसरे शब्दों में f इनवर्स भी बोला जाता है डियर, वी कैन राइट f इनवर्स x, और इनवर्स इसका है। हम इसे फिर से fx थोड़ा ना लिख सकते हैं, है ना? तो हमने लिखा f इनवर्स x इक्वल टू,
और y की जगह ये फंक्शन x पर, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड कर रहा है ये x की वैल्यू पर. तो दैट इज व्हाट द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन. और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. चलिए देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है 2x-5. अभी यहाँ पर फिर वही बात है कि y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी x की वैल्यू, यानी आप पुट क्या करोगे x की वैल्यू. तो अभी फिलहाल डोमेन है x की वैल्यू और रेंज क्या है जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो रेंज होती है. ठीक है, क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है, देखते हैं इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है. तो इनवर्स के लिए हमने क्या किया, इसकी डिपेंडेंसी बदलनी है. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो हम इस 5 को सबसे पहले यहाँ ले आए, हो गया y प्लस 5 इक्वल टू में 2x. नाउ इस 2 को डिवाइड कर दिया तो आपके पास बड़े आराम से x की वैल्यू निकल कर आ रही है. दैट मीन्स आप सक्सेसफुल रहे डिपेंडेंसी बदलने में. यानी अब क्या है, पहले क्या था, पहले y डिपेंड कर रहा था x पर. आप x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यूज निकलेंगी. यानी इनपुट क्या है x और आपका आउटपुट क्या था यहाँ पर y. लेकिन अब इनपुट आउटपुट से इंटरचेंज हो गया, दैट इज व्हाट इनवर्स. अब क्या हो गया, इनपुट हो गया y और जो आउटपुट है वो हो गया x. इसी को कहते हैं डियर किसी भी फंक्शन का इनवर्स. नाउ व्हाट इज फंक्शन मींस, ये भी हमने बता दिया कि किसी ना किसी वेरिएबल पे डिपेंड होना. जैसे यहाँ पर ये फंक्शन है x पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ y. दैट मींस दिस इज अ फंक्शन डिपेंडेंट अपॉन y. और इसी को अगर आपको ऐसे मेंशन करना है कि ये इसका इनवर्स है, इसी को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स. दिस इज अ सिंबल ऑफ इनवर्स x और यहाँ y की जगह आ जाएगा x. तो थोड़ी बहुत पिक्चर तो बदलनी चाहिए थी ना. तो ये था फंक्शन और ये उसका क्या है आपके पास, इनवर्स. तो आई होप जो ये प्रीफिक्स था इनवर्स, उसका मतलब आपको क्लियर हो गया हो. किसी भी फंक्शन को लेफ्ट से राइट साइड पर ले जाना यानी उसकी डिपेंडेंसी बदल देने को इनवर्स कहा जाता है. अब हमारे पास शब्द आता है ये इनवर्स ट्रिगो का क्या मतलब है, ये क्या, कौन सी ट्रिगो है, क्या ये भी 11th की ट्रिगो की तरह मुश्किल है. तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं. बहुत आसान ट्रिग्नोमेट्री है ये, ज्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं है आपके पास, सिंपल चैप्टर है. लेकिन ये बाकी चैप्टर्स पर यूज होता है. लेकिन ये खुद तो 3 मार्क्स का है, लेकिन अगर आप 5th चैप्टर की बात करें, 6th चैप्टर की बात करें, 7th चैप्टर की बात करें, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, इन सब में कहीं ना कहीं इसका और ट्रिगो का बहुत ज्यादा यूज है. तो आप समझ सकते हैं 5-6 चैप्टर्स में अगर ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो का इस्तेमाल होता है तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखने के लिए. तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको 11th की ट्रिगो नहीं आती तो कोई बात नहीं. 2-4 चीजें हैं जो आपको साथ साथ सीखनी है. एक तो उनके फॉर्मुलेज सीखना बहुत जरूरी है, साथ के साथ कुछ कुछ चीजें जो है ट्रिक्स हैं जो खास तौर पर 3.4 एक्सरसाइज जो 11th की है उसे आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, और बाकी फॉर्मूलेस. और आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. नाउ व्हाट इज इनवर्स ट्रिगो, क्या ट्रिगो का इनवर्स पॉसिबल है. सेम वही बात है. अब देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, डिपेंडेंसी बदलना ही इसके अंदर वो चीज है. अब देखिए ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, राइट. नाउ व्हाट इज इनवर्स ट्रिगो, वो भी समझने की कोशिश करते हैं. अभी क्या कर रहा है, वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर. और आप लोगों को पता है कि आप यहाँ पर ट्रिग्नो में जो डोमेन पुट करते थे, जो इनपुट पुट करते हो वो क्या होते हैं, एंगल्स, राइट. 30 डिग्री, 40 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पर हम इनपुट जो पुट करते हैं वो एंगल है. और इनपुट को ही क्या बोला जाता है बच्चों, डोमेन बोला जाता है. व्हाट अबाउट वाई, वाई हमारे पास होता था आउटपुट और यही तो हमारा आंसर होता है, इसी को बोलते हैं रेंज. और ये जो रेंज होती थी ये कैसे आती थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज. एग्जाम्पल देखते हैं, हम यहाँ पर रखेंगे साइन 30 डिग्री, है ना. डोमेन क्या है हमारे पास, 30 डिग्री. तो देखिए डियर, अब हम यहाँ पे पुट क्या करते थे, एंगल्स, है ना, इनपुट एंगल्स पुट करते थे. ट्रिगो की बात कर रही हूँ मैं. तो हमारे पास जो वैल्यूज आती थी, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2. सिमिलरली अगर मैं यहाँ साइन 45 डिग्री पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, 1/2. यानी आप इनपुट क्या डाल रहे थे, एंगल्स. दैट इज व्हाट डोमेन, क्या आप पुट करते हो. और जो आपके पास आंसर निकल कर आ रहा था वो था रेंज. और यहाँ पर ये भी क्लियर था कि y डिपेंड कर रहा था थीटा पर, यानी एंगल पर. यानी यहाँ पर डोमेन थी एंगल्स और जो रेंज थी वो थी न्यूमेरिकल वैल्यूज, राइट. इनवर्स ट्रिगो में भी पिक्चर बदल जानी है, यानी आपका डिपेंडेंसी चेंज करना है. तो चेंज करने में यहाँ तो दिखता है कि बड़े आराम से चेंज हो जाएगा, है ना. लेकिन डियर एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो दिख रहा होता है. इसके पीछे रीजन जो है वो हम फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे, और ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं. तो अभी फिलहाल मैं आपको इसका इनवर्स करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको इनवर्स बताया कि जहां वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर, हमें एक्स को डिपेंड करना है वाई पर. अब क्या करने वाले हैं हम लोग, हमारे पास क्या होता था, हम ट्रिगो के अंदर जैसे मान लीजिए वाई है, हमने यहाँ पर साइन 45 डिग्री आपसे पूछा तो आपका जवाब होता था 1/2,
यानी आपने डोमेन पुट करी एंगल और आपके पास आंसर आया न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट? दिस इज अ डोमेन एंड दिस इज योर रेंज, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट. अब सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाएगा, राइट? अब क्या होगा, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करी जाएगी इनवर्स ट्रिगनोमेट्री. इट्स लाइक दैट, ये जो साइन है ना, ये साइन आप उधर ले गए, साइन आप उधर ले गए, तो ये आपके पास डिपेंडेंसी बदलना ही कहलाता है. जैसे अब ये साइन जो है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो कुछ तो बदलाव होगा ना. क्या बदलेगा, क्या वहां साइन ही रहेगा? नहीं, लेफ्ट साइड पर ये साइन जाकर कहलाता है साइन इनवर्स, चेंज हो गया. वैसे ये कहना गलत होगा कि क्या मैम ये जो साइन है क्या वहां जाके वन अपॉन साइन हो गया? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये दोनों कोई मल्टीप्लाई में थोड़ा ना है कि ये वहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हो कि वन अपॉन साइन, और कोई भी चीज अगर वन अपॉन होती है तो हम उसकी पावर क्या कर देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं. जैसे अगर एक्स की पावर टू होता तो हम इसे एक्स की पावर माइनस टू लिख देते, बट इन रियल टर्म दिस इज नॉट करेक्ट. रीजन, साइन और एक्स कोई मल्टीप्लाई में थोड़ा ना है, ये तो आपस में जुड़ी हुई टर्म्स है, बट स्टिल डिपेंडेंसी हमें बदलनी है इनवर्स ट्रिगो में. तो ये जो साइन होता है ये वहां चला गया, और यहाँ पर जाने के बाद कुछ तो बदलाव आएगा ना. प्लस वाली चीज लेफ्ट से राइट पर जाती है तो माइनस की हो जाती है, इनटू वाली डिवाइड की हो जाती है, तो क्या ये साइन वहां जाके साइन रहने वाला है? नहीं. इसको हमने इधर ले लिया तो ये बन गया साइन इनवर्स, राइट? दैट इज वॉट इनवर्स ट्रिगो ऑल अबाउट. यानी आपके पास अब डिपेंडेंसी बदल गई ना, क्या हो गया, अब पिक्चर चेंज हो गई. अब जो x था वो क्या था, अभी भी x एंगल ही है, नहीं बदला अभी भी वो, और y अभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही है, नहीं बदलने वाली वो. यानी अब हमारी डोमेन चेंज हो गई है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री. यानी पहले हम एंगल पुट करते थे, न्यूमेरिकल आंसर्स निकलता था, अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. अब हम यहाँ पुट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज, और हमें बताना है ये न्यूमेरिकल वैल्यू किस एंगल पर लाई करती है. दैट इज व्हाट इनवर्स ट्रिगो, यानी जो पहले सवाल हुआ करता था और आंसर अलग आता था, अब हमारा आंसर हमारे पास होगा और हमें उसका क्वेश्चन वापस बताना है. तो साइन इनवर्स 1/2, उसको ऐसे रीड करोगे, साइन 1/2 1/√2 टेबल में कौन से एंगल पर होता है. एक्स क्या था, एक्स पहले भी एंगल ही था, अभी भी एक्स एंगल ही है. यानी आपको आंसर में एंगल बताना है, यानी जो आपकी रेंज है वो क्या है, एंगल्स. और हम इनवर्स ट्रिगो में मेनली रेंज ही फोकस्ड करने वाले हैं, तो उसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है. तो आंसर आपके पास कितना आएगा, आप इसे पूरा रीड करके मुझे बताओगे. साइन की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री होती है, यही तो आ गया 45 डिग्री, यही तो आ गया सेम. सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, तो आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर एंगल में क्या होगा. साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर. यानी अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसके अंदर डोमेन क्या थी आपके पास, एंगल, और रेंज क्या थी आपके पास, न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट? अब यही अगर इनवर्स ट्रिगो हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो हो गया, अब आप पुट क्या करोगे, डोमेन क्या होगी आपके पास. सिंबॉलिक वैल्यू कोई भी ले सकते हो डियर, ऐसा नहीं है कि मैंने वही वाला वाई ले लिया, मैंने इसको डिफरेंट लिया है, यहाँ पे पहले थीटा भी ले लिया. तो आप पुट क्या करोगे इनवर्स ट्रिगो में, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो आपके पास आंसर आएगा रेंज, दैट इज योर एंगल्स, ठीक है. तो आई होप व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो हमें क्लियर हो गया, कि हम बस क्वेश्चन पे वापस जाना है, हमें एंगल बताने हैं इनवर्स ट्रिगो में, और कुछ नहीं है. पर जो सबसे जरूरी फैक्ट है, अगर आप जानना चाहें, क्योंकि बुक में ये चीजें मेंशन है तो हमें पता होनी चाहिए, कि क्या वाक्य में ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स पॉसिबल है, क्या हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है, तो इसका जवाब है नहीं. किन फंक्शन का पॉसिबल है, किन का नहीं है, उसके लिए हम फर्स्ट चैप्टर सीखेंगे. हमें इस डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमें इस चैप्टर में नहीं करना कि किन का इनवर्स पॉसिबल है किन का नहीं. हमें ये जानना जरूरी है क्या ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स पॉसिबल होता है. दिखने में मेरे कंसेप्ट के हिसाब से तो बिल्कुल दिख रहा है. आप देखो ये साइन यहाँ आ गया, साइन इनवर्स y हो गया, ऐसे ही टेन इनवर्स भी हो सकता है. अब ये टेन है, ये यहाँ आ गया, टेन इनवर्स y हो गया. तो आप बोलोगे बिल्कुल मैम, क्योंकि हम इनकी डिपेंडेंसी चेंज कर सकते हैं आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इनवर्स पॉसिबल है. डियर, बट वो अधूरी डेफिनेशन है, सिंपल करने के लिए वो डेफिनेशन है. किन का इनवर्स पॉसिबल होता है, किन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए दो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, 1/1 और 1/2. हमें फिर से इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. अगर फर्स्ट चैप्टर कर चुकी हो तो बहुत समझ में आएगा, नहीं कर रखा तो टेंशन मत लो.
हम इसके बारे में भी फिलहाल बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। देखो किसी भी फंक्शन के लिए वन वन और ऑन टू दोनों होना जरूरी है, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होता है, नहीं तो नहीं होता। और मैं आपको सिंपल सा दिखाऊंगी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री है वो वन वन ही नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि हर फंक्शन जो वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। और मैं खुद कह रही हूं कि पहला ही स्टेप नहीं होता ट्रिगो, तो इसका मतलब कि ट्रिगो का इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। इनवर्स जब इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो आप हमें ये चैप्टर क्यों करा रहे हैं इनवर्स ट्रिगो। बट मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि उसका इनवर्स इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो प्योर वन वन नहीं है, लेकिन कुछ इंटरवल पर, कुछ रिस्ट्रिक्टेड रेंज पर वो इनवर्स उसका पॉसिबल है, और उसी को हमें इस चैप्टर में लर्न करना है। अब वन वन का मतलब क्या होता है, देखिए आपने 11th क्लास में थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भी घबराओ मत, ये लो। अब वन वन का मतलब होता है कि अगर मैंने x की वैल्यू रखी, इनपुट रखा, तो उसका आउटपुट डिफरेंट आना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं साइन एन पाई, साइन एन पाई जीरो होता है, एन का मतलब क्या होता है इंटीजर, यानी अगर मैं पाई पे आपसे आंसर पूछू तो भी जीरो, साइन माइनस पाई पे आपसे आंसर पूछू तो भी जीरो, साइन टू पाई पे आपसे आंसर पूछू तो भी जीरो, साइन जीरो डिग्री पर भी जीरो, क्योंकि हमने 11th क्लास में इतना तो पढ़ा है कि ये चार ही क्वाड्रेंट होंगे, लेकिन एंगल की कोई लिमिट नहीं है। जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, क्या इस पे एंगल, सॉरी 270 डिग्री, 360 डिग्री, क्या इस पे एंगल खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं, इस पे फिर 90 जोड़ो, इट्स नेवर एंडेड, यानी बहुत सारे एंगल होते हैं, और उन एंगल पर जो वैल्यूज होती है, टेबल से हटकर कोई वैल्यू नहीं आती इसके अलावा आपके पास, जो वैल्यूज आपके पास टेबल में गिवन है वही वैल्यूज बार 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 रिपीट होती है, यानी एंगल 360 से ऊपर भी चला जाए बट वैल्यू टेबल के अलावा कोई और नहीं आती जो आपने टेबल में सीखी है, तो इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है। और इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए वन वन और टू होना दोनों जरूरी है, ऑन टू के बारे में बात ही मत करो क्योंकि वन वन ही नहीं है तो ये चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वन वन नहीं है। अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो डिग्री पुट करती हूँ तो इसका आंसर जीरो डिग्री आता है, ठीक है, सॉरी जीरो वैल्यू आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पाई बाय टू पुट करती हूँ तो इसका आंसर वन आता है, अगर मैं पाई पुट करती हूँ तो इसका आंसर जीरो आ गया, अगर मैंने टू पाई पुट करा, टू पाई मतलब 360 डिग्री, तो भी इसका आंसर जीरो डिग्री आ गया। तो आप देख रहे हो ये वन वन थोड़ा ना है, मैनी वन है, बिकॉज यहाँ देखो ये मैनी वैल्यूज गोइंग टू वन आउटपुट, ये वन वन नहीं होता। वन वन में क्या होना चाहिए, अगर मैंने वन इनपुट पुट करा है तो उसका आंसर भी डिफर आना चाहिए, जो कि ट्रिगो में नहीं आ रहा। इनवर्स ट्रिगो सिर्फ उन्हीं की पॉसिबल है जिनका वन वन फंक्शन। तो अब मैम आप खुद ही कह रहे हो कि ये वन वन नहीं है, ये मैनी वन है, क्योंकि सेम इनपुट रखने पर, डिफरेंट इनपुट रखने पर सेम आंसर आ रहा है। वन वन कब होता, जब मैंने ए रखा तो बी आंसर आता, सी रखा तो डी आंसर आता, ई रखा तो एफ आंसर आता, यानी हर बार डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट आता तो ये वन वन होता, पर ये तो वन वन नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि आपने तीन डिफरेंट वैल्यूज रखी और सेम ही आंसर आ गया, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस है उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने इनवर्स के लिए क्या कंडीशन बताई, वन वन भी होना चाहिए, टू भी होना चाहिए, तो पहली वाली बात ही नहीं है, तो दूसरी तो बहुत दूर की बात है, वन टू तो बहुत दूर की बात है, वन वन नहीं है। बट डियर इसीलिए आपके पास हम ग्राफ के थ्रू ये समझाना चाहते हैं कि एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज पर इनवर्स पॉसिबल है, एक रिस्ट्रिक्टेड एंगल्स पर इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है, और हम आपको उसका डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। चलिए डियर ये हमने आपके सामने डायग्राम बना लिया ताकि आपका टाइम कम जाए। मान लीजिए मैंने एक ही ट्रिग्नोमेट्री ले रखी है, क्योंकि बहुत ज्यादा डायग्रामेटिक जाने जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। देखो आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बनाना है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 90-90 के गैप पर एंगल ले लो, जीरो डिग्री ले लिया सबसे पहले, फिर 90 डिग्री ले लिया, फिर पाई ले लिया, क्योंकि 90-90 प्लस करते जाओ 180, फिर मैंने 90 प्लस कर दिया 3 पाई बाय 2, फिर मैंने 90 प्लस कर दिया 360, तो इट्स 0 डिग्री, इट्स 90 डिग्री, इट्स 180 डिग्री, इट्स 270 डिग्री, इट्स 360 डिग्री, राइट। ऐसे ही हम नेगेटिव में भी ले सकते हैं, है ना। तो मैंने ये आपके सामने लिखा है, ये है मेरा x डोमेन, राइट, इट्स डोमेन, और दिस इज y एक्सिस, दिस इज माई रेंज, आउटपुट भी बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं, दिस इज माई डोमेन। तो डोमेन का कोई एंड नहीं है, लेकिन आप रेंज देखोगे तो रिपीटेड है, 0, 1, 0, -1, 0, ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा है, तो रेंज इसकी फिक्स है, कहीं ना कहीं रिपीटेड है। तो देखो क्या होगा, 0 पर 0 डिग्री, ये मेरा ब्लू से हाईलाइटेड है, पाई बाय 2 पे 1 आ रहा है आंसर, 90 डिग्री पे 1 होता है, पाई पे मैंने आपको बताया 0, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, सब पे 0, 3 पाई बाय 2, 270 डिग्री, आपको बताया कि 270 डिग्री आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। और कैसे निकालते हैं डियर, ये हमने 11th में सिखाया आप लोगों को,
नहीं तो एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं। 370 डिग्री है तो इसको हमने क्या लिखा, सॉरी 270 डिग्री, हमने इसको लिखा 90 × 3 + 0 डिग्री। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में आप 0 प्लस करोगे, थर्ड में रहोगे, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, और जब भी यहाँ ऑड नंबर होता है आपको सिखाया गया है साइन कॉस में बदल जाएगा, तो ये हो गया कॉस 0 डिग्री। नाउ कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपके पास माइनस, फिर 2 पाई पे फिर से 0, तो 0 पे 0, पाई बाय 2 पे 1, पाई पे 0, 3 पाई बाय 2 पे माइनस 1, 2 पाई पे 0, तो इट्स लाइक दैट, लहरों की तरह ये आपके पास बनता है, कोई एंड नहीं है डियर इसका। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव लेती तब भी होता, माइनस पाई बाय 2 पर होता माइनस 1, माइनस पाई पे होता 0, फिर 3 पाई बाय 2 पर होता 1 और इस पर होता 0, इसका कोई एंड नहीं। ये आपके पास साइन का मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखाया है, आपको ग्राफ बनाना नहीं समझ में आया घबराना, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहती हूँ, अभी मैंने आपको कहा कि हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिगो, फिर मैंने आपको ये भी दिखाया कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, फिर मैं खुद दिखा रही हूँ कि इनवर्स पॉसिबल है, और मैं आपको बता रही हूँ कि इनवर्स होने के लिए 1 1 1 2 होना जरूरी है, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 1 1 नहीं होते। 1 1 का मतलब क्या होता है, एक डोमेन रखने पर एक ही आंसर आना चाहिए ना, आप खुद देखो 0 रखने पे भी 0 आ गया, पाई रखने पे भी 0 आ गया, 2 पाई रखने पे भी 0 आ गया, यानी आपने मैनी वैल्यूज रखी और उनका 1 आंसर है, तो ये तो मैनी 1 है ना, 1 1 तो है नहीं, इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिमिटेड रेंज जो इस चैप्टर में पढ़ाई जा रही है उस पर इसका इनवर्स पॉसिबल है, और वो लिमिटेड रेंज क्या है डियर, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 यहां तक। क्यों मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहां पर अगर आप माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में कोई भी एंगल रखोगे सब पर इसका डिफरेंट आंसर आ रहा है। देखो माइनस पाई बाय 2 पे माइनस 1 आ रहा है, और यहां पर मान लो माइनस 60 डिग्री है तो ये आंसर आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। माइनस मान लो आप 30 डिग्री रख रहे हो तो ये आंसर आ रहा है, 30 डिग्री रख रहे हो तो ये आंसर आ रहा है, 60 डिग्री रख रहे हो तो ये आंसर आ रहा है, 45 डिग्री रख रहे हो, तो यहां से लेकर यहां तक डिफरेंट आंसर है, लेकिन इसके बियॉन्ड आंसर रिपीट होना शुरू हो गया। कैसे, अगर मैं पाई बाय 2 के आगे रखती हूँ कोई भी वैल्यू तो ये आंसर आ रहा है, तो ये आंसर इससे पहले भी आया था, ये देखिए, तो सेम आंसर आ जाएगा ना दो बार। तो यही तो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास यहां पर इनवर्स पॉसिबल तो है लेकिन सारी डोमेन्स पर नहीं, यानी ये सब वैल्यूज पर नहीं है, सब पर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं, सिर्फ लिमिटेड एक्स की वैल्यूज हैं। कौन सी लिमिटेड एक्स की वैल्यू, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये क्या है आपके पास, डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट इनपुट रखने पर डिफरेंट आंसर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आंसर है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पर ही इसका इनवर्स पॉसिबल है, ऐसे और ब्रेकअप हो सकते हैं, ऐसे और भी आपके पास हो सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक आप ब्रेकअप ले सकते हो, यहां पे भी रिपीट नहीं होगा, लेकिन हम यहां पर सिर्फ एक ही रेंज पढ़ने वाले, एक ही ग्रुप पढ़ने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि माइनस 2 पाई से 2 पाई पे इनवर्स पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि उसमें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी वैल्यूज, उसमें रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, हमें एक ऐसा ब्लॉक लेना है जहां पर इसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो, और वो हमने क्या ले लिया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो क्या सिर्फ यही एक ब्लॉक है, नहीं, अब मैं ये पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 का ब्लॉक भी ले सकती थी, इस पे भी रिपीट नहीं हो रहा, इस पे भी देखिए ये वैल्यूज हैं फिर ये वैल्यूज हैं, आंसर वाई थी, वाई रिपीट नहीं हो रहा, तो आपके पास जिस पर वाई रिपीट नहीं हो रहा वो ब्लॉक आप ले सकते हो। तो इस बुक में लेकिन आपके पास एक फिक्स्ड रेंज दे रखी है डियर, टेबल में रिस्ट्रिक्टेड रेंज दे रखी है, उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल ब्रांच, यानी आपने सिर्फ इसी रेंज के लिए बात करनी है और रेंजेस के बारे में आपने बात नहीं करनी, जबकि और में भी साइन का इनवर्स पॉसिबल है, यानी ट्रिगो का इनवर्स पॉसिबल होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही रेंज पढ़ने वाले हैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई स्टार्टिंग वाली, दैट इज व्हाई दिस इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल रेंज, लेकिन और भी हो सकती है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते क्या माइनस पाई से पाई तक, क्या माइनस पाई से पाई इनवर्स पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है सर, क्योंकि माइनस पाई से पाई में अगर हम लेते हैं तो बहुत सारी वैल्यू रिपीट होने लग जाती है। इवन आप ये देखिए 0 से लेकर 2 पाई में भी वैल्यू रिपीट हो गई ना वाई रिपीट, तो 0 से 2 पाई पे भी इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 1 1 नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की बात करूं तो इसमें अगर मैं कोई भी एंगल लूं, आप रख के देखना माइनस 90 से 90 के बीच में कोई भी एंगल, तो आपका वाई रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आपका वाई रिपीट नहीं हो रहा तो वो 1 1 हो गया और उसका इनवर्स पॉसिबल है, राइट। अगर ये वाला कंसेप्ट बहुत कम लोगों को समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो मैं टेबल बताने वाली हूं उसे भी आप याद कर सकते हैं, वो भी आपके लिए इनफ हो जाएगा। चलिए अब हम ये टेबल समझने की कोशिश करते हैं, अगर इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आया घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये टेबल याद करिए, और इस टेबल में भी सिर्फ आपको रेंज मेनली याद करनी है, पर मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आप डोमेन मत याद करना, रेंज जरूर याद करनी है, रेंज सबसे मस्ट है,
और यहाँ पर हमने तीन तीन के ग्रुप बनाए, आप देख सकते हैं ब्लू कलर से और पिंक कलर से। तो ये तीन तीन जो है वो एक तरीके के बेस्ट फ्रेंड के ग्रुप में है, ये तीन एक जगह और ये तीन एक जगह, जनरली ये सेम तरीके से अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी डोमेन देखते हैं। अब इनवर्स में डोमेन क्या होती है, हमने पढ़ लिया था न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, और जो आंसर्स होते हैं वो एंगल होते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने। तो आप देख सकते हैं जो आउटपुट है वो एंगल्स में है और जो डोमेन है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो अगर हमसे साइन इनवर्स की डोमेन पूछी जाए तो कहा गया माइनस वन से वन के बीच में, देखिए ये है क्लोज इंटरवल, राइट। क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू भी लेनी है आपने और इनके बीच की। अब आप पर आपको याद हो तो मैंने आपको साइन थीटा का ग्राफ बनाकर दिखाया था, और जो y के आंसर्स थे अगर आपको याद हो तो y के आंसर यही आ रहे थे, 0, 1, माइनस 1, यही वैल्यूज आ रही थी। अब आपको ये भी पता है कि ट्रिगो की जो रेंज है इनवर्स ट्रिगो की वो डोमेन है, तो इसका मतलब जो डोमेन हुई वो भी तो रिस्ट्रिक्टेड हुई ना। डोमेन क्या हो गई, माइनस 1 से 1, ठीक है। तो ये रीजन है माइनस 1 से 1 क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि माइनस 1 भी पुट कर सकते हो यहाँ पर, 1 भी पुट कर सकते हो, इसके इन बिटवीन कुछ भी पुट कर सकते हो, क्यों, बिकॉज हमें पता है कि ट्रिगो की जो रेंज होती है वो यही आती है, जो ट्रिगो की रेंज है वो इनवर्स ट्रिगो की डोमेन, तो माइनस 1 to 1। अब जो इसकी रेंज थी उसमें गड़बड़, हमने आपको बताया कि एक्स क्या पुट कर सकते थे आप, एंगल क्या पुट कर सकते थे, 90 डिग्री, 360 डिग्री, कुछ भी पुट कर सकते थे, कर सकते थे ना हम लोग, लेकिन इनवर्स ट्रिगो ने उतना सारा एक्स नहीं लिखा, उसने लिमिटेड कर दिया। उसके पीछे हमने आपको रीजन बताया कि इनवर्स हर एक जो इंटरवल पर है वो पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ लिमिटेड पढ़ रहे हैं यही वाला। तो बस आपने ये टेबल याद कर लेना है कि इसी पर ये डिफाइंड है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी पर इनवर्स ट्रिगो पॉसिबल होती है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम यहाँ पर कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, मेन ब्रांच पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा गया कि जो इसका आंसर होगा, यानी इनवर्स ट्रिगो में जो वाई आएगा आपके पास, वाई आउटपुट, यहाँ पर हम डोमेन को कह रहे हैं इनपुट और एक्स डिनोट कर रहे हैं, और जो रेंज है वो हमारी वाई है, यानी साइन इनवर्स का जो आंसर आपके पास आना चाहिए फिलहाल इस चैप्टर के अंदर वो माइनस 90 से 90 के बीच में आना चाहिए, और माइनस 90 और 90 भी आ सकता है बिकॉज ये आपके पास क्लोज इंटरवल्स है, ठीक है। माइनस 90 से 90 के बीच में कोई भी आंसर आए आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। टेन इनवर्स की बात करते हैं तो उसमें डोमेन क्या रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं, रियल नंबर कुछ भी रखो, रखो कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसका आंसर आएगा वो ऊपर वाले से सेम है, सिर्फ ओपन इंटरवल आ गया। अच्छा, ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, यानी इसका आंसर जो है, यानी जो वाई है, कभी भी माइनस 90 और 90 नहीं आएगा। उसके पीछे रीजन है डियर, आप मुझे एक बात बताओ, आप डोमेन क्या रखोगे यहाँ पर, डोमेन क्या अलाउड है आपको, रियल नंबर, राइट, इन्फिनिटी तो नहीं ना, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर तो नहीं होती ना। आपके पास यहाँ वाई यानी जो आंसर है वो एक ही केस में 90 आ सकता था जब आप यहाँ इन्फिनिटी रखते, क्योंकि 10 इन्फिनिटी, हमने यही आपको बताया ना इनवर्स ट्रिगो क्या होती है, आपको ये बताती है कौन से एंगल पर है। तो अगर मैं आपसे पूछती कि 10 इन्फिनिटी कब होता है, तब आपका जवाब 90 होता, लेकिन आप कभी इन्फिनिटी पुट करोगे ही नहीं। क्यों नहीं पुट करोगे इन्फिनिटी, क्योंकि वो रियल नंबर है ही नहीं, पुट करते ही नहीं कभी भी हम डोमेन, तो डोमेन कभी भी इन्फिनिटी नहीं पुट करी जाएगी, इसलिए जो आंसर है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा रखा है, ना तो 90 आएगा ना माइनस 90 आएगा, इनके बीच का कोई भी आंसर आ सकता है, बट 90 और माइनस 90 नहीं आएगा। तो ऊपर वाले का ही सेम आंसर है, सिर्फ माइनस 90 90 पर आपने ओपन इंटरवल लगा। सेम कॉसिकेंड पर आ जाते हैं, कॉसिकेंड में आपको कहा गया आप रियल नंबर पुट कर लो, सब पुट कर लो, सिर्फ माइनस 1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं पुट करनी, सिर्फ माइनस 1 से 1 के बीच की वैल्यूज आपने नहीं पुट करनी। रीजन सेम है डियर, आपके पास आप देखिए फिर से वही आपको यहाँ लिख रखा है कि जो आंसर है वो जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जीरो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कॉसिकेंट इनवर्स इन्फिनिटी लिखोगे तब आपका आंसर आएगा जीरो डिग्री। हम कभी भी इन्फिनिटी डोमेन पुट करेंगे ही नहीं, इनपुट पुट करेंगे ही नहीं, तो आंसर जीरो डिग्री आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो माइनस 90 से 90 सेम जो ऊपर लिखा हुआ है वही लेना है, सिर्फ एक जीरो डिग्री नहीं आएगा बस। तो ये सारे रीजंस जो इन्होंने जो हटाए हैं उसके पीछे क्या है कि वो एंगल इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज हम डोमेन इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे। तो इन तीनों का आंसर सेम हो गया, आपके पास साइन इनवर्स का ओपन इंटरवल है और टेन इनवर्स का साइन इनवर्स का क्लोज इंटरवल है, टेन इनवर्स का ओपन इंटरवल है, और कॉसिकेंड में यही सेम चीज है एक्सक्लूडिंग जीरो डिग्री, बिकॉज जीरो कभी भी इसका आंसर नहीं आ सकता बिकॉज हम इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे। सेम कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेकंड इनवर्स की अगर हम डोमेन की बात करें सेम ब्रांच है, आप देखिए सेम आपके पास फॉर्मेट है। अब हम डोमेन पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते कि आप क्या पुट कर सकते हो, ये लिखा हुआ है कि माइनस वन से वन के बीच में कुछ भी पुट कर सकते हो, इवन ये भी पुट कर सकते हो, इसमें आप रियल नंबर पुट कर सकते हो, इसमें रियल नंबर में से सिर्फ माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, बाकी सब
हम मेन रेंज की बात करते हैं बिकॉज आपने यही मेनली याद करना है डियर, और इसे जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा एक्सरसाइज समझने से पहले, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप यहाँ x की वैल्यू ये सब पुट कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर आपके पास आएगा वो 0 से 180 डिग्री और उसके बीच का क्लोज इंटरवल है, मतलब 0 डिग्री भी आंसर आ सकता है, 180 डिग्री भी आ सकता है, इसके बीच का भी आ सकता है। कॉट इनवर्स में ओपन लगा दिया, मतलब 0 डिग्री इसका आंसर नहीं आ सकता, पाई भी इसका आंसर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, सेम वही बात है, इसका आंसर 0 डिग्री तभी आता जब मैं यहाँ x को इन्फिनिटी पुट करूँ, क्योंकि कॉट इनवर्स इन्फिनिटी यानी कॉट आपके पास इन्फिनिटी कब होता है, कौन से एंगल पर, तब होता है 0 डिग्री और पाई, ये तो कभी होगा ही नहीं कि हम x को इन्फिनिटी पुट करें, रियल नंबर में इन्फिनिटी थोड़ा ना आता है, इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं होता बच्चों, तो जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे ही नहीं तो आंसर कभी 0 डिग्री और 180 डिग्री आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया आपके पास ओपन इंटरवल। सेम सेकेंड इनवर्स में पुट आप जो मर्जी करो, रियल नंबर पुट करो, इसमें भी बताया गया कि आंसर पाई बाय 2 नहीं आएगा, रीजन मैं आपको बता चुकी है, देखो ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है इन सब पर इनकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो क्योंकि हम यहाँ x को इन्फिनिटी रखेंगे ही नहीं, सीकेंट इन्फिनिटी कब होता है 90 डिग्री पर, तो क्योंकि हम इन्फिनिटी पुट करेंगे ही नहीं, कभी भी हम x को इन्फिनिटी पुट करेंगे ही नहीं, तो y में वो एंगल्स आएंगे ही नहीं जिनमें वो इन्फिनिटी होता है, तो सीकेंट इनवर्स 90 डिग्री पर इन्फिनिटी होता है, हम इन्फिनिटी रखेंगे नहीं तो आंसर कभी 90 डिग्री आएगा नहीं। तो ये आपने तीन थीम के ब्लॉक हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और आप इन्हें अपने रजिस्टर में नोट भी कर सकते हैं, राइट। चलिए डियर, अब हम आपके साथ फॉर्मूले शुरू कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 कैटेगरी से घबराने की जरूरत नहीं है, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने बस कैटेगरी 1 और वो टेबल याद करना है, तो कैटेगरी 1 का हम फॉर्मूला आपको लिखवा रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज अगर आ जाए, है ना, हमें पता है कि आपके पास लिखा है नेगेटिव वैल्यूज, हमें पता है कि इनवर्स ट्रिगो में आप वैल्यूज पुट करते हो और आंसर में एंगल निकलता है, तो कैसे डील करेंगे अगर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये तीन हमने आपको बता दिए कि साथ में रहेंगे भाई, ये फ्रेंड 1 ग्रुप है, ये फ्रेंड 2 ग्रुप है, ये पिंक ग्रुप है, ये ग्रीन ग्रुप है, जैसा भी आप समझ सकते हैं, तो जो साइन है टेन है एंड कॉसिकल इनवर्स है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज होगी तो उसमें से नेगेटिव बाहर आ जाएगा और वो वापस वैसे का वैसा हो जाएगा जैसे कि आपने पढ़ा पहले, क्योंकि हमने जो टेबल है उसमें कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं पढ़ी, हमें ये नहीं पता कि साइन इनवर्स -1/2 कब होगा, नहीं पता ना हमें -1/2, क्योंकि टेबल में तो नेगेटिव होता ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, पहले इस नेगेटिव से डील करने के लिए आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, तो नेगेटिव आ जाएगा बाहर अगर साइन टेन या कॉसिकेंट है, लेकिन अगर इनके अलावा ये तीन है कॉस कॉट और सीकेंट, तो पाई के साथ माइनस बाहर आए, तो आप ये वाला फॉर्मूला और वो टेबल एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके दिमाग में फिट कर लो, उसके बाद आप एक्सरसाइज देखो, अगर आप अभी देख रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी डियर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, फ्री एजुकेशन को जितना आप मोटिवेट कर सकते हैं प्लीज करिए, ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं फ्री एजुकेशन देने के लिए हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।